हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुक विद परी में। तो आज मैं आपको हरी मिर्च की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेनी है 15 से 20 हरी मिर्च और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद पोंछना है, 4 से 5 मिनट के लिए सुखाना है और ऐसे छोटे छोटे पीस इनके कट कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें आधी कटोरी लेने हैं दही। और मसाले के लिए अब मसाला तैयार करना है तो मेथी लेनी है हमें 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नमक लेना है, 1 चम्मच राई लेनी है, 1 चम्मच हल्दी लेनी है और कटी हुई बारीक मिर्ची लेनी है। और गैस का फ्लेम अब गैस ऑन कर लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो 5 से 7 चम्मच हमें अब तवे पे, आप कढ़ाई में भी डाल सकते हो, तवे पे तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हमें 1 चम्मच राई डालनी है। राई को भूनने के बाद हमें मेथी डालनी है 1/2 चम्मच। और मेथी डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालना है हमें, देखिए कुछ इस तरह से। और अब हमें जो मैंने हरी मिर्ची कट की थी उनको तवे पे डाल देना है। और तवे पे डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और अच्छी आंच पे इनको सेकना है। अब हर 2 से 3 मिनट के लिए इनको चलाते रहना है, एक जगह नहीं रखना। अब लास्ट में हमें डालना है 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डाल सकते हो। और अब हमने जो हल्दी पाउडर लिया था वो मिक्स करना है। अब मिर्ची को भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं तो इनको अब चला दीजिए और गैस को बिल्कुल लो रखिए। इस तरह से अब हमें लास्ट में जो हमने दही लिया था उनको उसको ऐड करना है। अच्छे से दही को फेंट लेना है और गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद हमें दही डालना है। ये देखिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और अब इसमें दही ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा गैस को बंद कर देना है, गैस को बंद करने के बाद ही आपको दही डालना है। और इस तरह से हमें इसको भी 2 मिनट के लिए चलाना है, दही और मिर्ची को ऐड करना है। आप इसमें पुदीना पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये देखिए मेरी मिर्ची फ्राई तैयार होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।